नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल परफेक्ट गाइडिंग में। और एक वीडियो लेकर हाजिर आपके लिए। आज के इस वीडियो में फिनो पेमेंट बैंक पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करें इसके बारे में बताने लो। फिनो पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करें इसके बारे में बताने लो। आप अगर से फिनो पेमेंट्स बैंक का नया CSP ID अगर से लेते हैं, फिनो पेमेंट्स बैंक का ID अगर से आप नया लेते हैं, तो आपको सबसे पहले फिनो पेमेंट्स बैंक का पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है, तभी जाकर आप फिनो पेमेंट्स बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग का सर्विस है तो वह सर्विस आप यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आप जब भी नया फिनो पेमेंट्स बैंक का CSP ID लेते हैं तो उसके बाद में आपके फिनो पेमेंट्स बैंक के CSP ID में अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन शो नहीं होता है। इसका यह रीज़न है कि उसके लिए आपको फिनो पेमेंट बैंक पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाकर आपके फिनो पेमेंट्स बैंक के CSP ID में अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन शो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको उसी के बारे में कंप्लीट पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि फिनो पेमेंट बैंक का पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसा होता है, किस तरीके से आप फिनो पुलिस वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका फिनो पेमेंट्स बैंक का CSP ID है तो आपको आपका फिनो पेमेंट्स बैंक का CSP ID फिनो मित्रा ऐप में लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप आपका फिनो पेमेंट्स बैंक का CSP ID फिनो मित्रा ऐप में लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद में सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपके फिनो पेमेंट्स बैंक CSP ID में फिनो पेमेंट्स बैंक BC Pol अकाउंट में ₹177 है या फिर नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके फिनो पेमेंट्स बैंक BC Pol अकाउंट में ₹177 से एक भी रुपया अगर से कम होगा तो आपका फिनो पेमेंट बैंक पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। फिनो पेमेंट बैंक पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको आपके फिनो पेमेंट बैंक CSP ID में फिनो पेमेंट बैंक BC Pol अकाउंट में ₹177 रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपका फिनो पेमेंट्स बैंक का पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस रिटेलर ID में, इस फिनो पेमेंट्स बैंक के CSP ID में, इस फिनो पेमेंट्स बैंक के BC Pol अकाउंट में यहाँ पर जो है तो ₹200 है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें जो तो अभी BC Pol अकाउंट में ₹200 अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है तो आपको आपके फिनो पेमेंट्स बैंक रिटेलर ID में, फिनो पेमेंट्स बैंक CSP ID में, फिनो पेमेंट्स बैंक BC Pol अकाउंट में ₹200 आपको यहाँ पर जो है तो सबसे पहले ऐड कर लेना है, या फिर AEPS के जरिए, माइक्रो ATM के जरिए आपको यहाँ पर जो तो विड्रॉल कर लेना है। उसके बाद में आपको ऊपर यहाँ पर जो तो फिनो मित्रा का लोगो शो होगा, उसके बाद में 3 डॉट्स यहाँ पर आपको शो होंगे। तो आपको क्या करना है, इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर जो तो ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है तो आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो और एक नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से नीचे लेना है। जैसे ही आप यहाँ से नीचे लेते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा, जुडिकल वेरिफिकेशन, और यहाँ पर जो तो सामने भी सेम ऑप्शन शो होगा, जुडिकल वेरिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, इस जुडिकल वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जुडिकल वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको बताया जाएगा आर यू श्योर वांट टू डू जुडिकल वेरिफिकेशन, मतलब कि आपको क्या सच में आपका जुडिकल वेरिफिकेशन करना है, तो आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो और एक नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है दिस इज नॉट रिफंडेबल अमाउंट, ₹150 प्लस 27 GST विल बी डेबिट फ्रॉम योर अकाउंट। इसका मतलब यह है कि यह जो ₹177 है तो यह जो तो नॉन रिफंडेबल है, और आपका ₹150 इसका चार्ज है, प्लस ₹27 यह जो है तो इसका GST चार्ज है। इसका जो तो कन्फर्मेशन यहाँ दिया जा रहा है। उसके बाद में आपको बॉक्स पर चेक मार लगाना है। जैसे आप बॉक्स पर चेक मार लगाते हैं नीचे एक आपको ऑप्शन शो होगा नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस होगा। उसके बाद में यहाँ पर बताया जा रहा है जुडिकल वेरिफिकेशन डिटेल, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड एंड जुडिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस इनिशिएटेड। इसका मतलब यह है
कि आपके अकाउंट से 177 रुपया जो है तो डेबिट हो गए जुडिकल वेरिफिकेशन के लिए, और जो है तो इसका जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है तो ये जो तो इनिटेट हो गया है। तो इस तरीके से आप फिनो पेमेंट बैंक पुलिस वेरिफिकेशन कर सकते हो, फिनो पुलिस वेरिफिकेशन कर सकते हो। उसके बाद में आपको फिनिश के ऑप्शन पर जो तो क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपका जो भी फिनो पेमेंट्स बैंक का पुलिस वेरिफिकेशन का जो टाइमिंग होता है कंप्लीट करने का, तो उतने समय में आपका फिनो पेमेंट बैंक पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आप फिनो पेमेंट्स बैंक CSP ID के जरिए, फिनो पेमेंट्स बैंक रिटेलर ID के जरिए कस्टमर्स का सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो, कस्टमर्स का आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। तो आप भी अगर से फिनो पेमेंट बैंक CSP ID लेना चाहते हैं, फिनो CSP ID लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे मात्र 300 रुपये में फिनो पेमेंट्स बैंक का नया CSP ID ले सकते हैं, फिनो पेमेंट्स बैंक का न्यू रिटेलर ID ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप मुझसे फिनो CSP ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको फिनो पेमेंट बैंक पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करें इसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर से अच्छा लगा होगा थोड़ी प्लीज करके लाइक करो। आपके दिल में जो भी सवाल होगा नीचे कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्लीज करके जरूर से बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए परफेक्ट गाइडिंग यूट्यूब चैनल।